हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासरूम बाय विश्वेश जमुआ। फील द फिजिक्स विद ईज। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था हमारे से कि सर 11th क्लास का आप शुरू कीजिए, इस लॉकडाउन में बच्चे नहीं जा पा रहे कहीं पर भी पढ़ने के लिए। और काफी सारे बच्चे जो हमारे से 10th में पढ़ रहे थे तो वो रेगुलरली डिमांड कर रहे थे, या और भी बच्चे बोल रहे थे कि सर 11th का वीडियो भी आप बनाइए, हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चों का डिमांड आया तो डेफिनेटली बनाना ही था। तो 11th का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो 11th के फिजिक्स की ही पूरी बात होगी और काफी अच्छे से तरीके से बात होगी। वीडियोस को अगर ढंग से देखेंगे तो काफी कुछ क्लियर होगा। तो सबसे पहला टॉपिक बेसिक्स। बेसिक्स शुरू करना काफी जरूरी है क्योंकि 11th में हम लोग सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो जो मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे उसमें बेसिक एक तो यूनिट डायमेंशन हो गया, वेक्टर हो गया, उसके बाद मोशन आ जाएगा बहुत जल्द चैप्टर मोशन आने, मतलब काइनेमेटिक्स। मोशन का जो पहला चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स में कई जगह पे मैथमेटिकल टूल्स का जरूरत पड़ेगा जो जानना बहुत जरूरी है। बिना बेसिक्स क्लियर किए हुए फिजिक्स को समझना संभव है ही नहीं। तो बेसिक्स पे बात करते हैं। बेसिक में सबसे पहले मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिक्स की बातों को करने जा रहे हैं जो और जो मैथ में पढ़ना है लेकिन उसको फिजिक्स में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उन सारे टॉपिक्स को नहीं जानेंगे, मैथमेटिक्स के उन टॉपिक्स को, तो फिजिक्स में कई जगह पर परेशानी आएगी। हमारी जो वीडियो है वो दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो स्टूडेंट्स जो है फाउंडेशन लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए तो काफी हेल्पफुल है ही। जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर कुछ इस तरीके से सेव किया जा रहा है ताकि आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ये लेक्चर सभी के लिए सूटेबल है तो इसलिए आराम से आप पूरे लेक्चर्स को देखिए। और हाँ, जब भी मेरे वीडियोस को अगर देखें तो दो तीन बात को दिमाग में रख लें। कभी भी आधा अधूरा होता है ना कि शुरुआत का दो चार मिनट देखें, फिर स्क्रॉल करके फिर बीच का 10-15 मिनट ऐसे देखें, तो ये ऐसे में कभी सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है, मैं लगभग सारे वीडियोज में ये बात बोल रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर शॉर्टकट उन चीजों का होता जो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, जो हम लोगों को पता है, तो उसका शॉर्टकट हम लोग पढ़ते हैं। जो सीख रहे हैं, जो हमारे लिए टॉपिक ही नया है, उसको शॉर्ट में अगर देखेंगे फर्स्ट टाइम में तो ये कितना कठिन हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिर ऐसे में क्या है ना, टॉपिक से डर लगेगा, घबराहट सा होगा क्योंकि पूरी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो। तो इसीलिए कोई शॉर्टकट्स नहीं, एकदम आराम आराम से, ठीक है, एकदम एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए। अगर आप वीडियोज पे टाइम देते हैं, हमारे वीडियोज को कंप्लीटली देखते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। काफी अलॉट ऑफ क्वेश्चंस, काफी क्वेश्चंस भी कराएंगे तो फुल प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। अब घर पे मेहनत करना शुरू कर दें कंप्लीटली, क्योंकि हमारा लेक्चर जो है रेगुलरली आपके सामने आना शुरू हो जाए। तो मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहले यहां पर बात होगी कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस एक्चुअली मैथ में पढ़ना है, क्लास 12th के मैथ में ये पढ़ना है, 12th के मैथ में पढ़ना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस 12th के मैथ में। अप्रोक्सीमेटली मोर देन 40% तकरीबन 40% से ज्यादा जो है वो कैलकुलस है मैथमेटिक्स का। तो इसलिए पढ़ना तो है ये मैथ में कैलकुलस, वो भी 12th क्लास में, लेकिन 11th के शुरुआत के चैप्टर्स यूज होता है फिजिक्स में। तो अगर 11th में नहीं, जब तक इन चीजों को हम लोग सीखेंगे, 11th के शुरुआत में ही फिजिक्स में यूज होता है, तो मैथ के भरोसे तो नहीं बैठ सकते हैं कि 12th में मैथ पढ़ोगे तो फिर सीख जाना। मैथ में तो पढ़ेंगे तो 12th में पढ़ेंगे। अच्छा, जो मेडिकल के कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को तो जो भी ये कैलकुलस सीखने का मौका है वो सिर्फ और सिर्फ क्या में, फिजिक्स में। और कैलकुलस मजबूत रखना बहुत जरूरी है मैकेनिक्स को क्रैक करने के लिए। फिजिक्स के मैकेनिक्स को अगर क्रैक करना है ढंग से, कैलकुलस को मजबूत रखें और ये बहुत काम आएगा। इंजीनियरिंग वाला जो कैंडिडेट है उन लोगों को 12th क्लास में जब पढ़ने को मिलेगा तो कहीं पर से दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में उन सारे चीजों को पढ़ लिए होंगे। तो हालांकि मेरा मेन फोकस जो होगा पढ़ाने का वो हम पूरी तरह फिजिक्स को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे कई जगह पे प्रूफ डेरिवेशन जो है वो मैथमेटिक्स के टीचर करते हैं 12th में,
तो यहाँ पर पूरी तरह फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंशिएशन पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि काफी डिटेल में पढ़ाएं और तकरीबन काफी चैप्टर्स को बता देंगे, आपका 10 प्लस चैप्टर्स क्लियर कर देंगे, इसलिए कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं। तो यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं कैलकुलस के बारे में। तो कैलकुलस क्या है? कैलकुलस की पढ़ाई जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, इसकी पढ़ाई दो हिस्से में बटी हुई है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, तो वन बाय वन हम सारे पोर्शंस को समझेंगे। सबसे पहले कौन से कैलकुलस की बात होगी? डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। कॉपी में साथ ही साथ नोट करते जाएंगे, जिन चीजों को भी बताया जा रहा है स्क्रीन को पॉज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। मिटा रहा, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोगों को पढ़ना होता है डिफरेंशिएशन। हेडिंग लगा लेंगे कॉपी में, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन का ही अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग, अगर लैंग्वेज के बारे में बात किया जाए, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एनीथिंग इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसका एक मतलब हुआ ये। ऐसे तो हिंदी में देखा जाए तो डिफरेंशिएशन को कहते हैं अवकलन, तो अवकलन यहां पर कहते हैं हिंदी में। तो अवकलन से भी बहुत सारे सीबीएसई स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ होगा, सर ये अवकलन क्या है। इसका एक एकदम सिंपल से लैंग्वेज में अगर बात करें तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एनीथिंग, किसी भी चीज के तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन कौन से वर्ड से आया? डिफरेंशिएशन आया है कौन से वर्ड से? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट का मतलब हो गया तोड़ना, डिफरेंशिएट मतलब ब्रेक करना, टू ब्रेक, यानी तोड़ने को हम डिफरेंशिएट कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है? उस प्रोसेस को, तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे एक एग्जांपल अगर ले तो मेरे पास अगर एक रड है, मान के चलो ये एक रड है, इस रड का लेंथ क्या है? एक्स। इस रड का लेंथ है एक्स, ठीक है। और अब अगर कोई कहेगा कि इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इस रड को हम एकदम छोटा छोटा हिस्सा में ये क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। जितना छोटा हो सकता है उतने छोटे छोटे हिस्सा में हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो जो हम इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ा में ब्रेक कर दिए, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। जितना छोटा छोटा हो सकता है उतना छोटा छोटा हिस्सा में एकदम ब्रेक कर देना है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। हाँ, और एक खास बात यह कि इस रड का पूरा लेंथ क्या था? एक्स था ना। इस रड का पूरा लेंथ एक्स था, तो मेरा कहना यह कि अगर इसे ब्रेक कर दिए तो कहीं पर भी ये वाला पोर्शन अगर देखा जाए, ये पोर्शन अगर देखते हैं, तो ये पोर्शन जो है इसका लेंथ क्या होगा? क्या इसका लेंथ एक्स होगा? नहीं, ये जो इसी एक्स का ये क्या है, इसी पूरे एक्स का ये छोटा सा कण है, छोटा सा कण, तो ये एक्स तो नहीं है। इसको हम लोग लिखते हैं क्या? डीएक्स। डीएक्स का मतलब क्या हो गया? डी लगने का मतलब है, एक्स के आगे डी लग गया, इसका मतलब डिफरेंशियल, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स। डी का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन किए हुए, किसको डिफरेंशिएशन कर दिए, यानी ब्रेक कर दिए, किसको? एक्स को। डिफरेंशिएशन कर दिए किसको? एक्स को। डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स का एकदम छोटा सा टुकड़ा। डिफरेंशियल मतलब, डिफरेंशियल मतलब टूटा हुआ, एलिमेंट का मतलब टुकड़ा, किसका टूटा हुआ टुकड़ा? किसका? एक्स का। तो एक्स के एकदम छोटे से कण को हम क्या बोलेंगे? डीएक्स, ठीक है। यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये भी छोटा सा कण है एक्स का, कोई भी छोटा सा कण सेलेक्ट करेंगे, ये वाला भी क्या होगा? डीएक्स। यहां पर भी जो छोटा सा कण है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, ये क्या होगा? डीएक्स। कहीं पर भी छोटा सा कण सिलेक्ट करेंगे तो वो डीएक्स। यानी सिंपल सी बात है, एक्स एक बड़ा सा चीज है, अगर हम एक्स कह रहे हैं तो वो एक बड़ा चीज हो गया, और डीएक्स का मतलब उसी एक्स का एकदम छोटा सा हिस्सा को हम क्या बोलेंगे? डीएक्स।
फिजिक्स में कई जगह पे ये यूज होता है। जैसे अगर पूरा मास क्या है, एम है, पूरा मास एम है, तो एकदम छोटे से मास को हम क्या बोलेंगे, डीएम। डीएम का मतलब उसी मास का छोटा सा टुकड़ा। पूरा चार्ज क्यू है, तो एकदम छोटे से चार्ज को हम क्या लिखेंगे, डी क्यू। डी का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा चार्ज क्यू है। अगर पूरा चार्ज फिजिक्स में कहीं पर क्यू लिखा हुआ है, तो अगर हम क्यू लिखते हैं इसका मतलब बड़ा सा चार्ज हो गया, और वही डी क्यू लिखेंगे तो डी क्यू लिखने का मतलब हो गया कि उसी चार्ज का एक छोटा सा हिस्सा। जैसे अगर मान के चलिए ये पूरा मास है m, पूरा मास क्या है इसका m, तो कहीं पर भी इसका छोटा सा कण अगर इससे उखाड़ते हैं तो उसका मास क्या होगा, m होगा। नहीं, उसके मास को हम क्या बोलेंगे, dm बोलेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, d का मतलब समझ में आया, d मींस डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, क्लियर ये बात। अच्छा, इसमें भी अब एक बात ये है कि अगर ठीक है मेरे पास अगर कोई एक चीज है भाई, मतलब को समझेंगे, बड़ा बेसिक सा मीनिंग है ये, क्योंकि थोड़ा मीनिंग जानना बहुत जरूरी है, तब क्वेश्चंस बनाने में मजा आता है, ठीक है। और फिजिक्स में आगे कॉन्सेप्ट्स डील करेंगे तो वहां पे क्लियरिफाई होगा। तो ये वाई है मेरे पास, कोई वाई है, कोई कहेगा इसको ब्रेक करो, तो ठीक है आगे हम डी लिख दिए। डी का मतलब हो गया कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, वाई का। अच्छा, तो वाई को अगर तोड़ रहे हैं, अगर कोई चीज किसी चीज को ब्रेक करने के लिए कहा जाए, कोई हमको एक कागज का एक टुकड़ा दे देगा, एक कागज का एक कागज है मेरे पास, कंप्लीट पेज है, कोई कहेगा डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करो तो हम उसको दो हिस्सा में फाड़ सकते हैं, दस हिस्सा में फाड़ सकते हैं, पच्चीस हिस्सा में फाड़ सकते हैं। तो ये बताना बहुत जरूरी है ना कि उसको कितना डिफरेंशिएट करो, कितना उसको ब्रेक करो। जैसे गेहूं पिसवाने के लिए हम लोग जाते हैं, तो गेहूं जब पिसवाते हैं तो अब उसको क्या होता है, वो चीज मशीन में जाता है तो टूटता ही ना है, वहां पर भी हम ये वर्ड बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन, वो टूट रहा है। लेकिन हर बार एक जैसा ब्रेक होता है, हम लोगों को कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं, ये चीज जो ब्रेक हो रहा है गेहूं, ठीक है, वो बालू के कण कितना मोटा मोटा रहे, तो वहां पर जाकर के बोलते हैं ना कि इसको देखिए बालू के कण कितना मोटा मोटा पीस दीजिए, तो वो एक रेफरेंस उसको हम देते हैं, रेफरेंस कितना ब्रेक करना है, किसके अकॉर्डिंगली ब्रेक करना है कि नहीं। तो अगर किसी चीज को ब्रेक कर रहे ना, तो एक रेफरेंस देते हैं हम लोग, किसको इतना ब्रेक करें, इसको इतना ब्रेक कीजिए। तो उसी प्रकार वाई को अगर ब्रेक करना है, किसको ब्रेक करना है, वाई को, तो आगे हम क्या लिख दिए, डी। डी लिखने का मतलब हो गया कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, वाई का, ब्रेक कर रहे हैं किसको, वाई को। कितना ब्रेक करेंगे, किसके अनुसार ब्रेक करेंगे, किसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे, रेफरेंस क्या होगा, तो बटा में क्या लिख दिए, dx। अब dx का मतलब हो गया कि dx जितना था, जितना छोटा छोटा dx था, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली हम ब्रेक करेंगे किसको, y को। तो इसको हम लोग लिखते हैं, इस चीज को हम लिखते हैं, ये कहीं पर भी ऐसा लिखा हुआ अगर दिखता है dy by dx, ये बहुत दिखेगा, काफी दिखेगा, तो इसको हम कहेंगे क्या, डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, y का। डिफरेंशिएशन ऑफ y, अच्छा डिफरेंशिएशन हुआ y का, किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस किसको लिए, x को, तो इसको हम कहेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, इसको शॉर्टकट में wrt लिख सकते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x, x जितना छोटा छोटा था उतना ही छोटा छोटा टुकड़ा कर दिए किसका, y का, क्लियर। उसी प्रकार अगर हम लिखते हैं dm by dn अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, dm by dn का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, m का कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू n, क्लियर है ये बात। d अल्फा by d बीटा अगर हम लिख रहे हैं, बोलिए क्या है, बोलिए सोच लिए, किसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू बीटा। ये मीनिंग के बारे में भी चर्चा किए, एक इंट्रोडक्शन दिए, क्या को लेकर के, डिफरेंशिएशन को लेकर, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक मीनिंग इसका मोटा मोटी समझाया गया यहां पर, ताकि फिजिक्स में ये जानना जरूरी है कि उसका मतलब क्या हुआ। अगले लेक्चर में, अलग अलग लेक्चर से, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन का, उसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, उसके नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रूल्स का, बात करेंगे डिफरेंशिएशन का रूल क्या है, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे क्या पे, लेक्चर पे। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे।